हेलो फ्रेंड्स, दिस इज आर के एंड आई वेलकम यू टू माय दिस वीडियो ट्यूटोरियल। थ्रू माय वीडियो ट्यूटोरियल्स आई ट्राई टू आंसर योर टेक्निकल क्वेरीज और मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि मेरे वीडियोस शॉर्ट, सिंपल एंड टू द पॉइंट हों। देन कम लेट्स स्टार्ट। हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में मैं आपको कैमटेसिया स्टूडियो 9 में अपना माउस कर्सर कैसे हाईलाइट करते हैं उसके बारे में बताऊँगा। अपना माउस कर्सर हाईलाइट करने के लिए आपको कैमटेसिया 9 में डिफॉल्ट सेटिंग्स में आपको अपना स्क्रीन रिकॉर्ड करना होगा। स्क्रीन रिकॉर्ड करते समय आपको सेटिंग्स में कोई चेंज नहीं करना है, तो चलिए देख लेते हैं। कैमटेसिया स्टूडियो 9 खोलें, रिकॉर्ड बटन पे क्लिक करें। आप देख पा रहे हैं यहाँ पे मैंने कैमटेसिया स्टूडियो पे अपना स्क्रीन कैप्चर स्टार्ट कर दिया है। अभी मेरा माउस कर्सर बिल्कुल हाईलाइट नहीं हो रहा है। मैं अपने कर्सर को बिना हाईलाइट के मूव कर रहा हूं। अब मैं अपने इस स्क्रीन रिकॉर्डिंग को सेव कर लूंगा। अब मैं अपने रिकॉर्डेड स्क्रीन कैप्चर में कर्सर हाईलाइट करूंगा। तो इसके लिए आप रिकॉर्ड के नीचे जो आप पास जो ऑप्शंस आ रहे हैं उसके अंदर कर्सर इफेक्ट को सेलेक्ट करें और यहाँ से आपको 3 ऑप्शन मिलते हैं, कर्सर हाईलाइट, कर्सर मैग्नीफाई एंड कर्सर स्पॉटलाइट। कर्सर हाईलाइट एक अच्छा इफेक्ट देता है। मैं इसको सेलेक्ट करके ड्रैग करके जो वीडियो हमने पहले रिकॉर्ड की है उसके अंदर ऐड कर दूंगा। अब मैं आपको इस वीडियो को दोबारा प्ले करके दिखाऊंगा कि इसमें कर्सर इफेक्ट आ गया है। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि मेरे पहले से रिकॉर्डेड वीडियो में कर्सर हाईलाइट हो रहा है। इन समरी, आप नॉर्मल तरीके से अपने स्क्रीन को कैप्चर करें और बाद में कर्सर को हाईलाइट करने के लिए उसमें कर्सर इफेक्ट ऐड कर दें। मैं आशा करता हूं आपके लिए यह वीडियो यूजफुल होगी। थैंक यू। आपको अगर ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक बटन दबाएं। यदि आपकी फर्दर कोई क्वेरी है तो आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं। प्लीज डू Like, share and subscribe our channel. That's all. It's RK signing off from here. Thank you.